हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर। और मैं हूं आपके साथ अर्चना। आज का हमारा टॉपिक है बेबीज़ में डायपर रैश के बारे में। तो बेबीज़ को, जैसे कि आप जानते हैं, डायपर रैश काफ़ी कॉमनली हो जाते हैं। इनका जो है ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो ये जो डायपर रैश है, ये आगे जाके जो है इन्फेक्शन भी बन सकता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि बेबीज़ को डायपर रैश जो है वो क्यों हो जाते हैं, अगर बेबीज़ को डायपर रैश हो गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस टाइम में नहीं करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेबीज़ में डायपर रैश होने के रीजंस या कारण क्या हैं। तो हम चार ऐसे जो मेन रीजंस हैं उनके बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से बेबीज़ को डायपर रैश हो जाता है। पहली बात कि क्या होता है कि बेबीज़ को जब हम बहुत देर तक गीले डायपर में रखते हैं तो उस वजह से बेबीज़ को डायपर रैश हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर बेबी ने पॉटी कर दी है और हम चेंज नहीं कर रहे हैं उसको तुरंत, तो भी बेबीज़ को डायपर रैश हो जाता है। तीसरी चीज़ कि हम बेबी को बहुत ज़्यादा टाइट डायपर पहना रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहना रहे हैं, उस वजह से डायपर रैश हो जाता है। या फिर आप बेबी को कुछ खाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हो, या फिर कोई जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो नहलाने के लिए या स्किन के जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, वो शायद बेबी को सूट नहीं कर रहे हैं और उस वजह से बेबी को डायपर रैश हो जाता है। तो ये सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से बेबीज़ को डायपर रैश हो जाता है। तो ये तो बात हुई कि डायपर रैश होने के रीजंस या कारण क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने काफ़ी ध्यान रखा है बेबी का, जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला है, जैसे आपने बहुत केयर की बेबी की, पर फिर भी बेबी को अगर डायपर रैश हो गया है तो जो है हमें क्या करना चाहिए, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर बेबी को डायपर रैश हो गया है तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि आप उस टाइम के लिए बेबी को डायपर्स मत पहनाइए, आप उसको अवॉइड कीजिए। पर फिर भी ऐसे हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि हम डायपर को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है आप अगर बेबी को डायपर पहना भी रहे हो और बेबी को रैश है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर 2 या 3 घंटे में जो है आपको बेबीज़ का डायपर चेंज करना है। मैं नॉर्मल डायपर्स की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसे डायपर्स भी होते हैं जिनकी सोकिंग कैपेसिटी जो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं यूरिन वगैरह, पर फिर भी आपको जो नॉर्मल डायपर्स हैं या फिर जब बेबी को रैश हो गया तो कोशिश कीजिए 2 से 3 घंटे में आप डायपर को चेंज कर दीजिए, वरना ज़्यादा गीला होने से स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है, उस वजह से बेबीज़ को रैश फिर ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने जैसे पहले बोला था कि जैसे बेबी पॉटी करता है तो आपको तुरंत ही डायपर चेंज करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमने अभी डायपर लगाया था, एकदम नया डायपर था, एकदम पहनाया और तभी उस बेबी ने पॉटी कर दी तो छोड़ देते हैं उसको, ऐसे थोड़ी देर बाद चेंज कर देंगे या फिर आप बिजी हैं किसी काम में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको तुरंत जो है बेबी का डायपर चेंज करना है। दूसरी चीज़ क्या करेंगे कि जैसे ही आप बेबी को डायपर चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस जगह को अच्छे साफ पानी से क्लीन करके उसको जो है, जो भी एक सॉफ्ट कपड़ा जो होता है कॉटन का कपड़ा, उससे जो है पैट करके, मतलब रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत हल्के हल्के हाथ से जो है ऐसे करके उसको पूरा पोंछ दीजिए और हल्की सी थोड़ी देर जो है उसको सूखने दीजिए उस डायपर वाले एरिया को, ताकि उसमें नमी ना रहे। और जब आपको लग रहा है कि वो एरिया जो है अब सूख गया है, तब आप बेबी को जो है डायपर पहना सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है कि देखिए, जैसे आपने डायपर अभी उस एरिया को साफ़ कर लिया था, डायपर एरिया को, और सूखने दिया था, उसके बाद अगर आपके बेबी को डायपर रैश है तो उस जगह पर आप क्रीम लगा सकते हो, जो रैश क्रीम आती हैं, तो उसमें जिसमें जिंक ऑक्साइड हो आपको वही रैश क्रीम यूज़ करनी है। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो है रैशेस को बहुत अच्छे से हील करता है, तो जिंक ऑक्साइड ज़रूर होना चाहिए उन क्रीम्स में जो भी आप बेबी की रैश के लिए ले रहे हो। तो जैसे कि मैं एक रैश फ्री क्रीम यूज़ करती हूँ, वो लगाती हूँ अपनी बेबी को, तो उस एरिया में जैसे आप डायपर चेंज करो, उस एरिया को सुखा दिया आपने, हवा लगने दिए, उसके बाद आपको उस एरिया पे वो रैश क्रीम लगानी है और उसके बाद आपको जो फ्रेश डायपर है यानी नया डायपर जो आप पहना रहे हैं वो आप पहना सकते हो। अगली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, देखिए इस टाइम पे अगर आप डायपर्स को अवॉइड कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, या फिर आप बच्चे को जो है खुले कपड़े पहनाइए, खुले पजामे पहनाइए कॉटन के, ताकि बच्चे को थोड़ी सी हवा लगती रहे उस एरिया में, वरना जो है रैश ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो जितना ज़्यादा आप खुला रखेंगे बच्चे को, उतना ज़्यादा ही बेबी के जो रैश हैं वो जल्दी ठीक होंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि जो रैशेज़ हुए हैं वो बेबी को टाइट डायपर्स पहनाने की वजह से हुए हैं, तो आप जो है डायपर का जो साइज़ होता है उसे 1 नंबर बड़ा ले सकते हो, ताकि जो है बेबी को वो दिक्कत ना हो और बेबी को जो फ्रिक्शन हो जाती है, अगर आप टाइट कपड़े या डायपर टाइट पहनाओगे तो उस जगह पर फ्रिक्शन होंगे, वो रैश जो है वो बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। पर डायपर आप जो बड़ा साइज़ ले रहे हो, ये भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ ना ले लें, अदरवाइज़ क्या होगा, वो डायपर लीक कर जाएगा।
तो इसे इसका ध्यान रखना है, कपड़े या फिर डायपर जो भी आप बेबी को पहना रहे हैं वो इस तरीके से पहनना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो। इसके अलावा होम रेमेडीज़ में आप क्या कर सकते हैं, जो डायपर एरिया है जैसे कि मैंने आपको रैश क्रीम लगाने के लिए बोला, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जो है कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके घर में अगर शिया बटर है तो आप वो भी लगा सकते हो। वो लगाने के बाद आप बेबीज़ को डायपर पहना सकते हो। तो ये सारी जो मैंने चीज़ें बताई, आपने ये जो है एक दो दिन ट्राई किया, तो यूजुअली क्या होता है कि एक दो दिन में वो डायपर रैश जो बेबीज़ में है वो ठीक हो जाते हैं। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब चीज़ें ध्यान में रख रहे हैं फिर भी जो रैशेज हैं वो कम होने के बजाय जो है ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा स्किन रेड हो गई है और ज़्यादा इन्फेक्शन जैसा लग रहा है आपको, तो आपको जो है डॉक्टर्स के पास तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि ये रैश जो है ये इन्फेक्शन बन सकता है और जिससे बेबीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपको तुरंत जो है 2 या 3 दिन में अगर ठीक नहीं हो रहे हैं रैशेज तो आपको डॉक्टर के पास बेबी को लेके जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि डायपर रैश होने पे क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि बेबीज़ को अगर डायपर रैश हो गए हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है कि इस टाइम पर आपको जो है बेबी वाइप्स यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि बेबी वाइप्स जो है एक तरह से स्किन में मॉइस्चर छोड़ देती हैं और उसमें अल्कोहल भी होता है। कई बार हम ये ध्यान नहीं देते हैं वाइप्स खरीदते वक्त कि इसमें अल्कोहल है या नहीं है। तो इस टाइम पर आप बेबी वाइप्स ना यूज़ करके कोई भी कॉटन का साफ कपड़ा ले लीजिए और उसको जो है बेबी की स्किन के लिए यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर बेबीज़ को डायपर रैश हो गया है तो आपको बेबी को कोई भी नई चीज़ खाने के लिए नहीं देनी है। जो बेबी का रूटीन है वही चीज़ आप उसको फॉलो कीजिए। उस टाइम पर कोई भी नई चीज़ जो है खाने के लिए मत दीजिए, या फिर कोई नया प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिए बेबी पर, चाहे वो पाउडर है, क्रीम है, बॉडी वॉश है, शैम्पू, कुछ भी हो गया, कोई भी नई चीज़ आप जो है ट्राई मत कीजिए उस टाइम के लिए। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस टाइम पे बेबीज़ को टाइट डायपर या फिर जो टाइट क्लोथ्स हैं, टाइट कपड़े हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पहनाने हैं। और अगली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि वो जो एरिया है डायपर एरिया, उसको जो है आपको रगड़ना नहीं है और बेबी को भी जो है उस एरिया को रगड़ने नहीं देना है या स्क्रैच वगैरह नहीं करने देना है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो कि बेबीज़ को डायपर रैश होने पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्यों बेबीज़ को डायपर रैश होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप बेबीज़ के लिए क्या क्या रैश क्रीम यूज़ कर सकते हो अगर आप जानना चाहते हो या फिर आप ख़रीदना चाहते हो, तो जो मैं पीयू के लिए कुछ क्रीम्स मैंने यूज़ की थी तो उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा कई लोग ये पूछते हैं कि पीयू के लिए मैंने बेबी केयर कहाँ से लिया है या पीयू के लिए मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो उन सबका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हो। या फिर पीयू के टॉयज़ कौन से मैं यूज़ करती हूँ, आपको जो भी दिखना है आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।